मैंने हिंदू कॉलेज 1955 में ज्वाइन किया था और 58 में मैं कॉलेज का प्राइम मिनिस्टर था। उसके पहले भी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस थी, हमने होल्ड की थी, सेक्रेटरी लिटरेरी यूनियन, सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री सोसाइटी कॉलेज का, और 58 में फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक पूरा वन वीक का हमने अपना डायमंड जुबली ऑफ द कॉलेज, दैट ईयर वाज डायमंड जुबली ऑफ द कॉलेज, वो हमने मनाया और एक वीक तक पूरा उसका सेलिब्रेशन हुआ। एंड उसके बाद फिर मैंने लॉ ज्वाइन किया और 62 से मेरी लॉ प्रैक्टिस शुरू हुई। उसके बाद हिंदू कॉलेज से कांटेक्ट रहा पर इतना रेगुलर कांटेक्ट नहीं था। फिर कोई 1995 में हमने डॉक्टर कविता शर्मा और प्रिंसिपल पीसी वर्मा, उन्होंने हमको बोला कि कुछ एलुमनाई एसोसिएशन में कुछ करना चाहिए, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन में। तो फिर हमने उस वक़्त इसकी वो ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की बागडोर संभाली और कॉलेज की एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना, उसको सहायता देना कॉलेज को, वो कार्यक्रम शुरू हुए। और 2000 से हमने 2000 या 2001 से हमने ये अवार्ड देने शुरू किए, जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई जो कॉलेज में ने कॉलेज का उन्होंने नाम रोशन किया, उन लोगों को हमने अवार्ड देने शुरू किए। और फर्स्ट बैच में ही हमने मिस्टर के बिरला को, कपिला वात्सायन को और डॉक्टर नरेश त्रेहन को, जनरल नायर को, इन सब को हमने अवार्ड दिए। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ गेस्ट थे हमारे, चीफ जस्टिस खरे, और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी, वो आई थी। उसके बाद हर साल से ये कोई ब्रेक के बगैर ये हम एलुमनाई अवार्ड देते आ रहे हैं और इस वक्त तक कोई हमने 200 के करीब अवार्ड अपने पुराने स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अपने अपनी फील्ड में डिस्टिंक्शन अचीव की है, उनको दिए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हों, जैसे गौतम गंभीर, आकाश लाल और मनमोहन सूद, इतने सब लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में थे। फिर फिल्म इंडस्ट्री की फील्ड में काफ़ी लोग थे, विशाल भारद्वाज और ये आशीष विद्यार्थी जिनको आज हमने दिया, अर्जुन रामपाल, ऐसे इम्तियाज़ अली, बहुत लोगों को हमने अवार्ड दिए। और जो रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेसी में जिन्होंने बहुत योगदान दिया है, सेक्रेटरी लेवल या सेक्रेटरी लेवल के ऊपर तक, तो उन्होंने उनको भी हमने रिकग्नाइज़ किया। इसी तरीके से बिजनेस और इंडस्ट्री के लीडर्स जो हैं उनको रिकग्नाइज़ किया, जो एकेडमिक्स में जिन्होंने एक्सेल किया उनका। तो ये 2001 या 2 से अब तक चलता आ रहा है, तो आज ये 13वां हमारा ओकेजन था डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड का। इस वक्त जो है कॉलेज एक बड़े नाजुक मोड़ पे है कि उसके जो बिल्डिंग है उसको बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, उसमें रेनोवेशंस की, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा ऑडिटोरियम जो है कॉलेज का वो बड़ी ख़राब शेप में है और गर्ल्स का एक हॉस्टल बनना है, उसके लिए बहुत फंड्स चाहिए। तो अब हमारी ये कोशिश है कि हम ये जो इतने महत्वपूर्ण 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं कॉलेज के, इनको किसी तरीके से हम कॉलेज को हेल्प करें, और ये एक हमारी आई थिंक एक कर्तव्य सा बनता है कि पुराने स्टूडेंट हैं तो सिर्फ ये एलुमनाई अवार्ड देने से या कोई लंच या डिनर करने से या कोई गोल्फ टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, इनसे ये काम नहीं होगा। कोई कंस्ट्रक्टिव काम जो है कॉलेज के लिए करके हमको दिखाना है, तो इसीलिए आज हमने यही लोगों के सामने ये रखा कि आप सब लोग मिलके इसमें हेल्प करिए कॉलेज का, ताकि कॉलेज एक फिर से
जो इसकी पुरानी ग्लोरी थी वो फिर से इसकी एक रिवाइव हो, और ये कॉलेज जो है कितनी अच्छी इंस्टीट्यूशन है ये बनी रहे इस तरीके से। पर उसके लिए हमको बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा। कॉलेज के पास इसके लिए फाइनेंसेस नहीं हैं और गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलती है, यूजीसी से भी बड़ी थोड़ी हेल्प मिलती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सारे मिलकर इस कार्यक्रम में हेल्प करें। तो यही हमारा जो आज का एल्यूमिनाई अवार्ड फंक्शन था, मेरा मैसेज सबको यही था कि ठीक है हम अवार्ड दे रहे हैं, पर ये पर्पज़ इसका ये भी है कि हम लोग मिलकर कोशिश करें। मुझसे बात करने के लिए और हमारे साथ हिंदू कॉलेज की इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।